जटाटवी गलज्जला प्रवाह पावितस्थली गली वलम्बिलम्बितं भुजंग तुंग मालिकं तमद्द मद्द मद्द मानि नाडवट्ट मर्वयं चकार तंड तांडवं तनोतीना शिवा शिवा औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि रहमानिर रहीम لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وصي رسول الله وخليفة بلا فضل जटाकटि हस भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज 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 लल्ल तात पत्त पावक किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणं मम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिके यौमिद्दीन यकन अब्दौ वैयक नस्तईन एहदन सिरात अल मुस्तकीमा सिरात अल लजीना नमतलहिम गैरुल मग्जूबे अलैम वलज्वालीन ओम नमः शिवाय अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मुहम्मद अजीज दोस्तों अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल गुड आफ्टरनून प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी हैं निगहत अब्बास जी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बेबाक बोलती हैं और आज हम उनसे कुछ जानेंगे, अपने कुछ सवालात उनसे उनके सामने रखेंगे। निगहत जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल से, मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम सभी को, नमस्कार सत श्री अकाल। नवरात्रि कैसे जा रही है? अरे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, आपको देखना चाहिए, हिंदुस्तान में बहुत रौनक है, बाजार सजे हुए हैं, माता की चुनरी हर तरफ है और माता का आशीर्वाद हम सभी पर है। यहीं से शुरू करते हैं निगत जी, आप इतना मैं भी जैसे जय श्री राम और ये चीजें बोलता हूं तो फतवे आ जाते हैं, आप कैसे, आपके साथ हो रहा है क्या, कितने फतवे आ चुके हैं, क्या मुश्किलात आप फेस करती हैं बीइंग सो बोल्ड? देखिए हिंदुस्तान की माशाल्लाह संस्कृति इतनी खूबसूरत है ना कि अगर हम जय श्री राम बोले और अल्लाह अकबर बोले तो हम पर आवाज उठाने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं होते। जाहिर सी बात है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होते, कुछ लोग हैं जो आवाज उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, कुछ मुट्ठी भर मौलाना भी ऐसे हैं जो अपने आप को सरनुमा समझते हैं, हमारे मुसलमानों के माए बाप समझते हैं और अगर हम जय श्री राम बोल दें, आपके सामने अभी मैं बाल खोल कर नेल पॉलिश लगा कर बैठी हूँ तो उस पर भी फतवे सवाल आ जाते हैं। पर क्या है ना, हमारे हिंदुस्तान ने हम महिलाओं को, फीमेल्स को इतनी ताकत दी है, इतनी इज्जत दी है कि हम डरते नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर पांच लोग ऐसे खड़े हैं ना मौलाना जो कट्टर हैं और जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं तो हमें मालूम है हमारा पूरा हिंदुस्तान हमारे पीछे खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है, हमें बचाने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए। तो वही बात है कि आज भी हम अपने आप को इतने बेहतर तरीके से आगे रखते हैं कि कोई हम पर सवाल उठाने वाला नहीं होता। बहुत लोग हैं जैसे ट्रिपल तलाक जब बैन हुआ हिंदुस्तान में तो उस पर मुखालिफत करी, बहुत लोगों ने सवालात उठाए, पर आखिरकार जो हमारे हिंदुस्तान के पढ़ा लिखा मुसलमान है, समझदार मुसलमान है, वो समझा और उसने आगे आकर इस चीज का स्वागत करा, इस डिसीजन को, हमारे मोदी जी के डिसीजन को वेलकम करा। आज भी मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो सबका विकास सबका विश्वास पर काम कर रहे हैं, सभी के लिए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, सभी के लिए एक साथ प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो आज हिंदुस्तानी मुसलमान जितना खुश है पहले कभी नहीं था। सेक्युलरिज्म के बारे में कुछ बताएं कि हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म भी बड़ा स्पेशल किस्म का है, इसको ज्यादातर अपीजमेंट उसमें ज्यादा नजर आता है, हिंदू मेजोरिटी को ज्यादा दबाया जाता है, उनकी फीलिंग्स का इतना ख्याल नहीं रखा जाता जितना माइनॉरिटीज का रखा जाता है, जबकि इंटरनेशनल रूल्स के तहत माइनॉरिटी वहां होती है जहां पे स्टेट का कोई रिलीजन हो, जब स्टेट सेक्युलर है तो सब बराबर हैं, फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं होती, आपका क्या ख्याल है? देखिए बिल्कुल आपने सही बात करी कि हमारे यहाँ जो मजॉरिटी है माइनॉरिटी है उसका किस्सा अभी भी कायम है, वो चीजें आगे बढ़कर चल रही हैं।
पर मेरा मानना ये है जब सेक्युलरिज्म की बात होती है, जैसे कि मैंने कहा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, मैं नहीं कहूंगी हर कोई मुसलमान ऐसा या हर कोई हिंदू ऐसा है, पर हमारे देश में भी कुछ लोग मुट्ठी भर ऐसे हैं जो बहुत रेडिकल हैं, जो एक तरफा सेक्युलरिज्म समझना चाहते हैं, वो एक तरीके से एक चीज को आगे लेकर जाना चाहते हैं कि अगर किसी ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल दिया तो एक ग्रुप है जो हमेशा खड़ा होगा और खड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है हिंदुस्तान में मुसलमान की उतनी इज्जत है जितनी कि एक हिंदू की है, खड़ा होना चाहिए। पर वही सेक्युलर ग्रुप, सूडो सेक्युलर का नाम हम उन्हें देते हैं, वही सूडो सेक्युलर का ग्रुप जब कोई हिंदू मेजोरिटी जो है हिंदुओं के बारे में कोई कुछ बोल देता है, हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ अपशब्द बोल देता है, तब वो लोग चुप्पी साध के बैठ जाते हैं, वो लोग एकदम शांत स्वभाव में रहते हैं, मुंह में दही जमा लेते हैं, कोई उनका ट्वीट नहीं आएगा, सोशल मीडिया पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा। जिन लोगों ने सीए के प्रदर्शन के दौरान, आपको मालूम है सीए ने कितना तूल पकड़ा था हमारे हिंदुस्तान में, सीए के प्रदर्शन के खिलाफ प्लकार्ड लेके खड़े हुए, बकायदा उन्होंने गैंग्स बनाई, सवाल करे, प्रदर्शन करे, यही लोग जब हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है या ट्रिपल तलाक को बैन करा और लोगों ने इतनी दिक्कतें करी, जो मुखालिफत करने वाले लोग थे उनके खिलाफ कुछ किसी ने आवाज नहीं उठाई, कोरोना महामारी इतनी पैंडेमिक पूरे विश्व में फैला, पूरे वर्ल्ड में फैला, हिंदुस्तान में भी फैला, हिंदुस्तान में जब फैला तो कुछ पुलिस कर्मियों के ऊपर, हेल्थ केयर्स के ऊपर, हेल्थ वर्कर्स के ऊपर कुछ कट्टरपंथी लोगों ने पत्थरबाजी करी, और मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि ये हमारी कौम के लोग आते थे जिन्होंने पत्थरबाजी करी, वो लोग सारे सूडो लिबरल वाले जो प्लकार्ड लेके, प्लकार्ड की जो गैंग ये परेड निकालते, वो सब चुप थे, इन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया। अंकित शर्मा की हत्या कर दी जाती, अंकित शर्मा एक नौजवान हमारे हिंदुस्तान में सीए के प्रदर्शन के दौरान 56 बार उसके सीने में चाकू मारा जाता है और ये लोग सवाल नहीं उठाते, तो यहाँ दर्द होता है। आप सवाल उठाइए, हिंदुओं का भी पक्ष रखिए, मुसलमानों का भी पक्ष, आप किसी को अनरिकग्नाइज मत करिए ना, आप रिकग्निशन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, हम उसकी इज्जत करते हैं, पर आप अनरिकग्नाइज एक कम्युनिटी को करेंगे तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि आप लोगों ने एक तरीके से एक ऐसी मुहिम चला रखी है, एक ऐसा अपने परेड चलाइए, चरेड चलाइए, जिसकी वजह से आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आप अपना निजी फायदा, अपना प्राइवेट अफेयर देखना चाहते हैं, आप अपना पर्सनल, इसमें क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आप देख रहे हैं, पर पूरी जनता के लिए आप नहीं खड़े। क्योंकि अगर आप खड़े होते, अगर आप वाकई सच और गलत के बीच में दीवार खड़ी करना चाहते, तो यकीन मानिए आप धर्म देखकर आवाज नहीं उठाते, आप लोग कास्ट देखकर आवाज नहीं उठाते। आज हिंदुस्तान में हिंदुओं में भी कुछ कास्ट है, जैसे दलित एक कास्ट है, दलित के लिए अगर कुछ होएगा, कुछ बुरा होएगा, तो सवाल जिस प्रकार उठाए जाते उसी प्रकार एक ब्राह्मण बच्ची के लिए भी उठाइए ना। रेप अगर एक दलित बच्ची का हो रहा है, एक ब्राह्मण बच्ची का जो एक उच्च कास्ट है हिंदू में, ऊंची कास्ट जिसको माना जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आप एक कास्ट के लिए आवाज उठाते, दूसरी कास्ट के लिए नहीं उठाते, आप एक धर्म के लिए आवाज उठाते, आप दूसरे धर्म के लिए आवाज नहीं उठाते। आपको मुस्लिम बच्ची का दर्द दिखता है, अच्छी बात है, दिखना चाहिए, आपको मुसलमान बच्ची का दर्द नहीं दिखता। जब किसी हिंदू बच्ची का रेप हो जाता है या किसी मुसलमान बच्ची का रेप हो जाता है, किसी हिंदू ने अगर कर लिया, तो आप हिंदू का नाम चीख चीख कर बताएंगे दुनिया को कि उसका नाम राकेश शर्मा है। लेकिन अगर किसी मुसलमान ने रेप किया, अखलाक हो गया नाम, या रियाजुद्दीन हो गया, जो भी नाम हो गया, आप उसके बारे में आवाज नहीं उठाएंगे। आप नाम देखकर क्यों बायफिकेशन कर रहे हैं? आप जब सवाल करेंगे तो इक्वालिटी पर सवाल करेंगे ना, महिलाओं के लिए विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो इक्वालिटी की बात करेंगे ना, या रिलीजन और कास्ट देकर बात करेंगे। तो जब आप इस तरह से बात करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि आप छल कर रहे हैं, आप कपट कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। निगत जी, आपको जब हम देखते हैं टीवी पे, आपकी बातें सुनते हैं, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि ऐसी अपब्रिंगिंग होनी चाहिए हिंदुस्तान के बच्चों की। ये क्रेडिट जाता है आपके पेरेंट्स को। आप बताएं मुसलमानों के बच्चों को क्या, किस तरह अपब्रिंगिंग करनी चाहिए कि दे बिकम ट्रू इंडियंस। सबसे पहले मुझे लगता है कि जब आपका बच्चा आपके घर में पैदा होता है और पैदा होकर जब वो होश संभालने लगता है, जब वो आप उसको बेसिक इंफॉर्मेशन देना शुरू करते हैं, मम्मी पापा या छोटी छोटी चीजें वो समझने लगता है कि बेटा पानी पी लो, बेटा खाना खा लो, बहुत छोटी छोटी चीजें, माने 3-3.5 साल की उम्र से सबसे पहली चीज जो एक मुसलमान माता पिता को अपने मुसलमान बच्चों को समझाना चाहिए, वो सबसे पहली चीज ये है कि बेटा आपको अल्लाह का इस्लाम फॉलो करना है, मुल्ला का नहीं करना। असल में क्या है ना, यहाँ ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ फिल्म्स भी आई हैं, ओ माय गॉड, सेल्समैन बन जाते हैं लोग। यहाँ पर मौलाना उन्हें सेल्समैन, अपनी एक दुकान खोल लिए, उस दुकान के माध्यम से डराते हैं,
धमकाते हैं, बहकाते हैं, बरगलाते हैं, लोगों को डाइवर्ट करते हैं उनकी अच्छी राह पर चलने से। अब ट्रिपल तलाक जैसी चीज को अगर हम उठा लें, कितनी बड़ी कुप्रथा, यानी कि कितनी गंदी चीज थी एक ही ऐसी मेल डोमिनेंट और पेट्रियार्कल सोसाइटी जिसमें फीमेल्स को न जाने कितने दुख झेलने पड़े। आप उसको, अपनी बेटी को, अपनी बेटी को ये चीज समझाइए कि अल्लाह ने कभी ऐसा नहीं कहा कि एक महिला को ही सारे दुख झेलने हैं। हिंदुस्तान हो, पूरे विश्व में, एक वर्ल्ड में जब एक बच्चा आता है, वो औरत हो या लड़का हो या लड़की, उसे फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्यों अपने बच्चों को झूठी जानकारी देनी है और अल्लाह को बदनाम करना है? अल्लाह ने नहीं कहा हलाला करो, वो रेप है, हलाला हराम है, हलाला रेप है। अल्लाह ने नहीं कहा, कुरान पाक में, हदीस में कहीं नहीं लिखा है। ट्रिपल तलाक अल्लाह ने कभी नहीं करा, चार शादियां, सात शादियां अल्लाह ने कभी नहीं कहा। अरे समझिए अल्लाह ने क्या कहा है। ये मौलाना है जिन्होंने कहा है कि चार शादियां, सात शादियां कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अल्लाह ने कहा है कि चार शादी करे। अरे पढ़िए, उस जमाने में सर्कमस्टेंसेस, जब ये बात होती थी सर्कमस्टेंसेस अलग थे, सिचुएशन अलग थी। उस सिचुएशन में जैसे आज चीजें बदली, आज हम चिट्ठी नहीं लिखते हैं, टेलीग्राम नहीं लिखते, व्हाट्सएप पे कॉल कर लेते या नॉर्मल कॉल कर लेते, टेक्नोलॉजी आ गई है ना, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए हैं। आज सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, तो जब हमने टेक्नोलॉजी को अपना मॉडर्नाइज करा है, चेंज कर रहा है, तो अपने जहन को, अपनी तालीम को, अपनी एजुकेशन को, अपने दिमाग को, अपने कल्चर को हम क्यों मॉडर्नाइज नहीं करते हैं? मुझे बताइए, अल्लाह क्या, अल्लाह ने ये कहा था कि आप एक बीवी रखिए पर आप दूसरी बीवी भी शादी करके ले आइए, घर में सौतने ला दीजिए? नहीं, अल्लाह ने कहा था कि दूसरी बीवी अगर आपको शादी करनी है तो उसकी वजह होती है। हमारे नबी ने जब शादी करी थी तो मजबूरी में करी थी कि क्योंकि एक महिला बेवा थी, उनके पास रहने को जगह नहीं थी, गरीब थी, वो अपने घर में ले आए, उन्होंने घर में पना दी और कोई उनके रिश्ते पर सवाल नहीं उठा, इसलिए निकाह कर लिया। आप करेंगे क्या, घर किसी सड़क से किसी मुसलमान महिला को जो तंग होगी आप उसको घर लाएंगे क्या? नहीं, आप तो दूसरी शादी इसलिए करेंगे क्योंकि आपको करोड़ दो करोड़ दहेज में मिल रहा होगा। तो ये लानत है ऐसी सोच पर। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों को तालीम ये दीजिए कि अल्लाह की, अल्लाह का इस्लाम मानना है, आपको मुल्ला का इस्लाम नहीं मानना। और अगर अल्लाह का इस्लाम मानेंगे ना तो बाखुदा अल्लाह के इस्लाम से ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं है इस दुनिया में। इतनी पाकिजगी है, क्या कल्चर है हमारा, सब साइंटिफिकली है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी चीज है। महिलाओं को और ऊपर दर्जा दिया है। अल्लाह ने नहीं कहा कि हिजाब पहनिए, नहीं, अल्लाह ने मर्द को कहा है कि अगर कोई महिला आपके सामने से निकल रही है और आपको लगता है कि आप उसको देखकर अपने आप को नहीं काबू में कर पा रहे, तो आप अपनी नजरें घुमाइए, उस औरत को मत बोलिए आप पर्दा पहनने को, या उस औरत को मत बोलिए कि आप हिजाब पहनने को। ये चीज, ये फर्क आप अपने बच्चे को जिस दिन समझा देंगे, अपने बच्चे के जहन में डाल देंगे, यकीन मानिए हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में इस्लाम की इतनी इज्जत होगी जो पाकिस्तानियों ने बदनाम कर रखा है ना हमें। मैं आपको नहीं कह रही, पर पाकिस्तान में टेररिस्ट को पनाह दी जाती है, बकायदा अपना जमाई बनाकर घर में रखा जाता है, पता है हाफिज सईद कहाँ रहता है, बम फोड़ता है, पर आप में इतना दम नहीं है कि आप उसे जाकर उठा के जेल में डालें। आप में इतना दम नहीं है कि आप किस आर्मी के स्कूल के बच्चों को वो लोग शहीद कर देते हैं तालिबानी, और आप जाके उनको पकड़ते नहीं, आपके मुंह पर तमाचा मारते हैं। मैं आज भी भूलती नहीं हूँ आर्मी स्कूल, जब आपके पाकिस्तान में वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, छोटे से बच्चे का जूता मिला था, जूते छोटे छोटे रह गए थे, बच्चे नहीं थे, चिथड़े उड़ गए थे सबके, पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। ऐसा इस्लाम नहीं है। जो इन आतंकवादियों ने इस्लाम को बदनाम करा उसको चेंज करने की जरूरत हमें और आज के युवा, आज का यूथ, आज की जेनरेशन जो इस बात को समझता है, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को समझाएं, यही तालीम से बड़ा करें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब लोग नफरत करेंगे हमारी कौम से। और मैं वो नहीं चाहती, क्योंकि हमारी कौम, हमारा कल्चर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बस उसको सही तरीके से समझने की और परखने की जरूरत है। बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की, हाफिज सईद तो हमारा पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक असेट है, इसको तो रखा हुआ है, दमाद बना कर रखा हुआ है, उसामा बिन लादेन को हमने रखा था, बिल्कुल दुनिया जाकर टेररिस्ट हम बनाते हैं, और उनके लिए हमारे पास सबसे बड़ी मार्केट अफगानिस्तान और हिंदुस्तान है जहाँ पे हम अपने टेररिस्ट भेजते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। निगत जी, आप हिंदुस्तान में रहती हैं, मुसलमान हैं, मेरे वालदेन भी हिंदुस्तान के मुसलमान थे जिनको मजबूरन हिजरत करनी पड़ी, एक आर्टिफिशियल कंट्री जो क्रिएट किया गया उसमें, यूपी, सीपी, बिहार,
गुजरात यहाँ सबसे मुसलमान जो हिजरत करके गए उनको हमें पाकिस्तान में मुहाजिर कहा जाता है। हमारे लिए स्पेशल कवानीन बनाए गए हैं जिसमें हमारी रिजर्वेशंस कम हैं। जैसे जब मैंने मैट्रिक किया तो मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 65% चाहिए थी, जबकि बाकी कौमों को 45%, इतना फर्क रखा गया। यही चीज जॉब में है। हमें आज भी, मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, तो कल कराची में जलसा हुआ था, उसमें एक पख्तून ने कह दिया कि उर्दू हमारी जबान नहीं है, तो उर्दू वाले क्यों इधर रहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं हमें। आज भी इतना हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपने इस बारे में कुछ सुना है, और इन मुहाजिरों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के गम में मरे जा रहे हैं? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं आपको तसल्ली नहीं दे रही हूँ, पर मैं आपको बहुत ही खूबसूरत बात कहूंगी। आपने अभी कहा कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपको आज भी हिंदुस्तानी कहा जाता है। अरे आप बहुत खुशनसीब है कि आपको हिंदुस्तानी मुसलमान कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी मुसलमान के तो कपड़े उतरवा देते हैं यूएस अमरीका वाले, चाइना वाले तक जिनके तलवे चाटते हैं ना पाकिस्तानी, उनके कपड़े वो एयरपोर्ट पे उतरवा देते हैं, रोजे बैन कर। ऐसा तो नहीं है कि आदमी तो नहीं है पर्दे के पीछे। तो आप तो खुश नसीब है कि आपको हिंदुस्तानी मुसलमान कहा जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मैं इस बात की गारंटी लेती हूं और ये बात डंकी की चोट पे बोलती हूं कि हिंदुस्तानी मुसलमान से ज्यादा खुश नसीब इस दुनिया में कोई मुसलमान नहीं है। क्योंकि जो इज्जत बख्शी जाती है हमें हिंदुस्तान में, सेक्युलर देश में, ऐसी इज्जत कहीं नहीं बख्शी गई। और इन लोगों को, पाकिस्तानियों को, पहले ये देखना है कि आपका देश कहाँ जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा, आप तो अपने औलादों को शहीद कर देते तालिबानियों के हाथ। शहीद नहीं कहूंगी, शहीद तो मैंने बहुत अच्छा लफ्ज यूज कर लिया, शहीद नहीं, आप उनको कटवा देते हैं, आप उनको मरवा देते हैं, और अपनी नीयत खराब होने की वजह से, क्योंकि वो आपकी झोली भरते हैं, क्योंकि आपके कटोरे भरते हैं चीनी, चीनी जिनके तलवे चाट रहे पाकिस्तानी। आज आप उनको देखिए, उन्होंने क्या मुसलमानों का हाल किया हुआ, जाकर देखिए ताइवान में, जाकर देखिए चाइना में, जिस देश में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर नाम नहीं रखा जा सकता, वो देश हिंदू मुसलमान की क्या इज्जत करेगा, मुझे बताइए। और फिर आप हिंदुस्तानी मुसलमान के बारे में बात करें, अरे हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन को सजदा करता है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर सजदा करता है। हम बहुत खुश हैं, हमारी चिंता मत करिए। 370 पे आपने हाय तौबा मचा दी थी, 370 आपको मालूम भी है। मैंने एक पाकिस्तानी चैनल, मैं एक डिबेट पे बैठी हुई थी हिंदुस्तानी चैनल पे, और पाकिस्तानी चैनल का पाकिस्तानी पैनलिस्ट कोई बैठा हुआ था, एक ही मैंने सवाल करा उस दौरान, उस दरमियान वो बहुत 370 की मुखालिफत कर रहा था, सवाल कर रहा था कि देखिए आपके कहाँ कश्मीरियों का क्या हाल है। मैंने कहा मोहतरमा, कोई वो थी महिला, मैंने कहा मोहतरमा मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप ये जानती हैं कि 370 के बिल में कागजात कितने हैं, कितने पन्नों का ये बिल है। वो जवाब नहीं दे पाए। मैंने कहा महज 2 पन्नों का बिल है, जाकर पढ़िए एक भी दफा, अगर आपको लगता हो, माफ कीजिएगा सीए की बात कर रही हूँ मैं, आपको एक भी दफा लगता हो कि ये बिल में क्या गलत है और क्या सही है तो बताइएगा। आप 370 के बारे में अलग आप बोलती हैं, उनको ना सीए के बारे में जानकारी, ना उनको 370 के बारे में जानकारी, ना ही कश्मीरी मुसलमान यहाँ पर दिक्कत में, ना ही यहाँ पर हिंदुस्तानी मुसलमान, कोई भी हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे केरला का हो, चाहे बॉम्बे का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे नोएडा का हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत खुश है। अपने देश को संभालिए, आपके देश की डोर टूटी जा रही है, आपका देश आतंकवादियों के हाथों दबता जा रहा है, आपकी आर्मी आतंकवादियों के नक्शे कदम पर चलती है। आप अपनी आर्मी को संभालिए, अपने लोगों को संभालिए, अपने प्रधानमंत्री को संभालिए, अपने क्रिकेटर्स जो जाकर हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री के बारे में उलझल उल बयान देते हैं और अपने प्रधानमंत्री को देखते ही नहीं है क्या होता है। तो इनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आज आपको अपने गरबान में झांकने की जरूरत है। अगर आप नहीं झांकेंगे तो ऐसा ना हो कि वर्ल्ड मैप से पाकिस्तान का पूरा नक्शा ही हट जाए, और हटेगा एक दिन, आज नहीं तो कल हटेगा, क्योंकि आप जैसे पाकिस्तानी बहुत हैं आज जो पाकिस्तान में भी रह रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, पर एक मोहतरमा है जो मेरा यूट्यूब का शो भी मेरे को होस्ट करती हैं कई बार मेरे को चैनल पे, वो भी परेशान है पाकिस्तान में, बोलती हैं शी इज नॉट हैप्पी इन पाकिस्तान एंड शी डज नॉट वॉन्ट टू लिव इन पाकिस्तान, उनको पता है पाकिस्तान में क्या दिक्कत। तो आप जैसे लोग हैं, तारिक फतेह जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान से निकले हैं, तो एक दिन जब सारा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, वहां सिर्फ आतंकवादी बच जाएंगे, तो यकीन मानिए चाइना हो, यूएस हो, हिंदुस्तान हो, सब आपके ऊपर बम मार के आपको मार देंगे, क्योंकि आतंकवादी, पाकिस्तान तो बचा ही नहीं ना।
तो अपने देश के बारे में सोचिए, यहाँ 370 आए या ना आए उसके बारे में मत सोचो। 370 हटने के बाद हिंदुस्तानी कश्मीरी मुसलमान बेहद खुश हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान सीए आने के बाद कोई दिक्कत में नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। आप देखिए एक भी मुसलमान को हिंदुस्तान से निकाला नहीं गया। और अगर आप चाहते कि आपके पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको भी हिंदुस्तान में नागरिकता दे दी जाए, जिस प्रकार हमने अदनान भाई को दी, आप लोगों को भी दे देंगे। आइए ना, हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है, खुले दरवाजे, आइए आपको गले लगा लेंगे, पर आइएगा आतंकवादियों का पन्ना पीछे छोड़कर। आपने अभी ट्रिपल तलाक का जिक्र किया था, तो हिंदुस्तान में ट्रिपल तलाक हुई, फिर पिछले हफ्ते मेरी नजर से खबर गुजरी कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि एक हिंदू लड़की जिसकी शादी होती है मुसलमान के साथ, वो उसकी विरासत में उसकी जायदाद की हकदार नहीं है। तो ये मुख्तलिफ कवानीन जो हैं हिंदुस्तान में, कानून हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के अलग, यहाँ इंग्लैंड में जहाँ पे सेक्युलरिज्म है यहाँ पे सबके लिए कानून बराबर है, यूरोप में सेक्युलरिज्म है कानून सबके लिए बराबर है, हिंदुस्तान में क्या आप नहीं समझते कि एक सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, एक यूनिवर्सल लॉ होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी भाई की सरकार ने इस चीज का प्रस्ताव आके रखा भी है। इसका प्रपोजल है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून। हमें नहीं चाहिए कि मुसलमानों में चार शादियां अलाउड हो, हमें नहीं चाहिए कि 25% 50% की जायदाद में बेटियां धक्के खाती रहे, बीवियां धक्के खाती रहे, हमें नहीं चाहिए ट्रिपल तलाक। हमें एक देश है तो एक ही कानून चाहिए। जिस प्रकार हिंदुस्तान में हिंदू महिलाएं सुरक्षित हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका पति सिर्फ, उनका शौहर सिर्फ एक शादी कर सकता है, दूसरी शादी के बाद आपको जेल होगा अगर आपने इलीगल तरीके से करा, और मुसलमान को वो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है कि नहीं, क्योंकि इनके इस्लाम में चार शादियां जायज, इसलिए आपको जेल होगा नहीं, या गलत है क्योंकि सर्कमस्टांसेस, जैसे कि मैंने पहले कहा, सर्कमस्टांसेस बदले हैं, सिचुएशन बदली है, मॉडर्न एरा है। आज हिंदुस्तान में और मैं कहूंगी पूरे विश्व में बहुत जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड लगना हर एक देश के लिए। हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा तभी मुसलमान महिलाएं जैसे ट्रिपल तलाक के खत्म होने के बाद एम्पावर हुई हैं, सशक्त हुई हैं, तभी हमारे हिंदुस्तान में और महिलाएं और लोग सशक्त होंगे, एम्पावर होंगे, क्योंकि तब उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट्स होंगे, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, कोई डिस्टिंग्विश नहीं करेगा कि नहीं अगर हिंदू है तो उनका पति एक ही शादी करेगा, लेकिन अगर मुसलमान है तो चार शादियां कर सकते। क्यों वो देना है? हम लोग क्या है मुसलमान महिलाएं, बैल है कि आप लाएंगे तो 10 भी ले आएंगे घर में और 20 भी ले आएंगे और हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा तो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, नहीं हमें वो नहीं चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत जरूरत है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द जनरेशन। इसकी वजह से द वे आवर कंट्री विल बी एम्पावर्ड, आवर यूथ विल बी एम्पावर्ड, आवर फीमेल्स विल बी एम्पावर्ड एंड आवर कम्युनिटी विल बी एम्पावर्ड। ये बहुत जरूरी है और जल्द ही आना चाहिए, क्योंकि इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी सबका कानूनी हक है। अगर ये लाने की कोशिश की गई तो जिस तरह एक तरफ तो मुसलमान है, लेकिन मुसलमान से ज्यादा बड़ा मसला वो सोडो लिबरल्स हैं, करण पर हुए, दूसरे जो हैं बरखा दत्त हैं, राजदीप हैं, अरुण दत्ती हैं, ये ज्यादा तेजी से आगे आएंगे और अपोज करेंगे, तो किस तरह आसान होगा क्या ये चीजें लाना? देखिए जब कानून बनता है ना, तो ये राजदीप सरदेसाई हो गए, अरुंधति रॉय हो गए, इन सब की कोई वैल्यू नहीं बचती है। मैं मानती हूँ कि ये लोग फिर प्लकार्ड लेके खड़े हो जाएंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि ये लोग पेड जर्नलिस्ट हैं, इनको पैसा देके इनके मुंह खोले जाते हैं, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में ऐसी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा जी की पार्टी जो है, जो एक पारिवारिक पार्टी है, एक फैमिली रन पार्टी है, उन लोगों ने आज भी, और ये बकायदा सबूत है, राहुल गांधी ने ऑन चैनल बोला है कि हम अपना मीडिया भेजेंगे, अपने मीडिया से मतलब वही होता है कि आप पेड मीडिया भेजेंगे। उन्होंने बोला अभी हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ था, आपको शायद आप इसके जानकार हो, जो रेप केस हुआ था उसके लिए उन्होंने बोला था कि हम आपके पास अपना मीडिया भेजेंगे। तो जब इस तरह की बातें आप करते तो कहीं ना कहीं आप एक्सपोज हो जाते हो, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग और भी एक्सपोज हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें हमें तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, ये प्लकार्ड लेके जरूर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, 10-15 दिन अपना टीआरपी के लिए चिल्लम चिल्ली जरूर करेंगे, पर उसके बाद जब जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि जनता समझ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या अहमियत है। कुछ लोग हैं, मैं कहूंगी 10% लोग सवाल उठाएंगे, पर वो वही है ना जो जिन्हें हर चीज में सवाल उठाना है, वो मोदी से नफरत करते करते अपने देश से अगर नफरत। देखिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आज के युग की, आज की जेनरेशन की नीड है, नीड ऑफ द आवर नहीं, नीड ऑफ द जेनरेशन है।
क्योंकि मुझे लगता है इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिलनी चाहिए। अगर एक फीमेल, हिंदू फीमेल सुरक्षित फील करती है क्योंकि उसको मालूम है कि अगर उसका पति दूसरी शादी करेगा तो उसके पास कानूनी राइट है उसको सवाल करने का, कोर्ट में सू करने का, तो यही राइट एक मुसलमान महिला के पास अगर नहीं है तो हम कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट की तरफ नहीं बढ़ रहे ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से यूथ हो, फीमेल्स हो या फिर हमारी कम्युनिटी हो, सब आगे बढ़ेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग खुद अपने आप को सशक्त और मजबूत कर पाएंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आज नहीं है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है हमारी। फिर हम हनन कर रहे हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज का, इक्वल राइट्स को हम ब्रेक कर रहे हैं, हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इक्वल राइट्स का हम उसको कहीं ना कहीं खत्म कर रहे हैं, उसको हैम्पर कर रहे हैं। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी कल भी था, आज भी और आने वाले कल में भी होगा। कांग्रेस पार्टी फेल हुई नहीं लाए, पर मुझे लगता है मोदी जी में इतनी ताकत है और हमारी सरकार में इतनी क्षमता है कि वो जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी भी और हम लोग स्वागत करेंगे इसका। अभी आपने आर्टिकल 370 के बारे में जिक्र किया था, तो उससे क्या तब्दीली आई है जम्मू कश्मीर में? पाकिस्तान के पास जो आपका इलाका कब्जे में है, गिलगित बल्तिस्तान और पीओके, वहां तो तरक्की है नहीं, वहां तो डेमोग्राफी टोटल पंजाबाइजेशन और चाइनाइजेशन हो गई है। हिंदुस्तान में क्या तरक्की आई है, कश्मीरियों के जिंदगी में क्या इंकलाब आया है, कुछ बताइए इस बारे में। देखिए, जब 370 एब्रोगेट किया गया, 35A एब्रोगेट किया गया, तो उसका एक ही सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न ये था कि कश्मीरियों को वो इक्वल राइट्स मिले, जिन इक्वल राइट्स से वो हमेशा दूर रहे 70 सालों तक, जिन इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे उनके लिए नहीं खुले हुए थे इतने सालों तक, वो दरवाजे उनके लिए खुले, उनके बच्चों को भी वही एजुकेशन मिले जो बाकी हिंदुस्तान की स्टेट्स में मिलती हैं, उनकी बेटियों को भी शादी करने का उसी एज में हक मिले जो बाकी एज की बेटियों को मिलता है, बाकी स्टेट्स की बेटियों को मिलता है। क्योंकि हमें मालूम है कि वहाँ कश्मीर में 12-13 साल की बच्चियों की शादी जबरदस्ती कर दी जाती थी, लीगल एज ऑफ मैरिज इज 18, पर वहाँ पर कश्मीर में वो चीज़ नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न था। और वहाँ के लोग जैसे महबूबा मुफ्ती हो गई, फारूक अब्दुल्ला साहब हो गए, इन लोगों ने इस पूरी सोसाइटी को इतना डोमिनेट कर लिया था, अपने तरीके से इसको चलाना चाह रहे थे, एक मैं कहूँगी एनार्किस तरीके से चलाना चाह रहे थे कि बहुत लोगों के लिए एजुकेशन लेना, जॉब्स करना, शादी अपनी मर्जी से करना, ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो 370 और 35 से एब्रोगेट करने के बाद अगर गम मनाया तो या तो पाकिस्तानियों ने मंगाया है या फिर कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने मंगाया, क्योंकि आम जनता बेहद खुश हुई है, आम जनता वहां पर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि कभी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत जरूरी होता है कि एक स्टेट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और पूरे कंट्री वाइड से एमएनसीज का या फिर नई नई कंपनीज की इन्वेस्टमेंट आए, वो कश्मीर में नहीं होती थी। सिर्फ सेब पर तो काम नहीं चलता है ना, वहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट टूरिज्म से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वहाँ के युवाओं को चाहिए, वो जॉब करना चाहते हैं, उस जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए ये एब्रोगेट करना जरूरी था। और आज वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ऑलरेडी करीब 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का वहाँ पे सैंक्शन पास हो चुका है, विच इज अ वेरी बिग थिंग। आप समझ रहे हैं आने वाले 4 से 5 साल में वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी होंगी कि कोई भी भूखा नहीं होगा, कोई भी अपनी एडुकेशन का ऐसा नहीं लगेगा कि उनको सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज करनी जरूरी थी और आज बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात पीओके की और बलोच की और गिलगित की, तो अपना ही हिस्सा है, जल्दी हम ले लेंगे। जिस प्रकार हमने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तानियों के पैरों तले से जमीन खिसकाई थी, उसी प्रकार रातों रात एक दिन ऐसा खबर मिलेगी उन्हें कि पीओके हिंदुस्तान में वापस आ गया है, जिन्होंने उन्हें बंदी बनाया हुआ है, पाकिस्तानियों ने बंदिश में रखा हुआ है पीओके को, हम उसे वापस ले लेंगे और फिर एक बार उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टेररिज्म, और उसके लिए हमारी मार्केट है सबसे बड़ी जम्मू एंड कश्मीर। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के लीगल हिस्से पे, जिसको के बाकायदा एक एक्सेशन के जरिए महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन की थी, उसमें इतना टेररिज्म करता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान, हमारा एक सूबा है, जिसको कब्जा किया हुआ है। 1948 में फौज भेज के उन्होंने उस पर जबरदस्ती कब्जा किया। केपीके में बहुत ही ज्यादा मामलात खराब है, मिलिट्री ऑपरेशन पिछले 40 साल से चल रहा है। सिंध में सिंधु देश की आजादी की मूवमेंट चल रही है।
मेरा सवाल ये है कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के एक लीगल हिस्से पे इतना ज्यादा टेररिज्म करता है और ओपनली कहता है कि हम कश्मीरियों की हर तरह से मदद करेंगे, तो क्या हिंदुस्तान को भी बलूचिस्तान में और सिंध में खास तौर पे इन दो इलाकों में मदद नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आफ्टर ऑल ये दोनों हिंदुस्तान का हिस्सा होते थे एक जमाने में, और मैं यहाँ पे टिट फॉर टैट की बात नहीं कर रहा, मैं तो सीधा सीधा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कहता हूँ कि क्या हिंदुस्तान को भी ओपनली आके नहीं कहना चाहिए कि हम बलूचिस्तान और सिंध के साथ खड़े हैं? आरिफ जी, आपकी बिल्कुल ये बात सही है और मैं इस बात की बहुत इज्जत करती हूँ। और ये बस एक चीज ये मैं बोलना चाहती हूँ कि पाकिस्तान, जो आपने कहा कि कश्मीर में आके लोगों की मदद करता है, नहीं, कश्मीरियों को पाकिस्तानियों की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कश्मीर में आके कुछ अपने मैं कहूँगी मिलिटेंट्स के माध्यम से वो यहाँ पर टेरर जरूर क्रिएट करना चाहते हैं, मदद करने की जहां तक बात है, पाकिस्तान कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि कश्मीरियों को पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तानियों की मदद की कोई जरूरत नहीं, वो बहुत खुश हैं। दूसरी बात, जब आप बलोच की बात करते हैं, बिल्कुल आपने सही बात की कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हिंदुस्तान को क्या इस समय पूरे विश्व को आगे आना चाहिए, क्योंकि बलोच के ऊपर किस प्रकार का अत्याचार पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं, गिलगित पर कर रहे हैं, ये हम लोगों की नजरों से दूर नहीं है। पर कुछ फॉरेन पॉलिसी होती है। अब देखिए, वही फर्क है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। अब आतंकवादी दूसरों के देश में इंट्रूड भी कर लेगा, लीगल तरीके से नहीं जाएगा तो इलीगल तरीके से जाएगा, इस तरह कान नहीं पकड़ेगा तो इस तरह पकड़ लेगा, लेकिन वो अपने बिजनेस, जो उनका टेररिज्म का बिजनेस है, बंदूकों का, बारूदों का बिजनेस है, उसके माध्यम से वो चोरी छुपे ये सब काम करता रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान और बाकी कंट्रीज की तो चलिए मैं बात नहीं करती, पर हिंदुस्तान की वो संस्कृति नहीं है। हम आतंकवादी नहीं कहलवाना चाहते अपने आप को। हम अगर आपके देश में, या मैं मानती हूँ वो आपका देश नहीं है, आप मानते, क्योंकि ऐसे देश को आपका मानना भी नहीं, आप तो अपने आप को हिंदुस्तानी कहना शुरू कर दीजिए, अगर वो कहते तो कहिए आप तो प्राउड से कि मैं तो हूँ हिंदुस्तानी। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात है कि अगर जो अत्याचार हो रहा है तो हमें सवाल उठाना चाहिए, और यूएन में सवाल उठाए गए हैं। हिंदुस्तान में भी आज भी बलोच से बहुत सारे लोग मुझे ट्विटर से, मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास आते हैं, मेरे पास ऑनलाइन मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पर इंसाफ चाहिए, या हमें हिंदुस्तान में बुला लीजिए, या हमारे हेल्प करिए। पर फॉरेन पॉलिसी कोई चीज़ होती है जिसको एक बॉर्डर क्रॉस नहीं किया जाता, पर हिंदुस्तानी सवाल उठा रही है, हमारी सरकार सवाल उठा रही है, हमारे जितने भी सरकार के प्रवक्ता हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी की सरकार सवाल उठा रही है, यूएन में इस पक्ष को रखा भी जाएगा, आज नहीं तो कल बलूच और गिलगित जरूर मोदी जी की ही हेल्प के माध्यम से फ्री होंगे, उस कंट्री में उन लोगों को सुकून मिलेगा, उनके ऊपर जितने भी वायलेंस हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो सब खत्म होकर उनको जल्दी इंसाफ और जस्टिस मिलेगा, और मोदी जी के माध्यम से ही मिलेगा। बट वी हैव टू गो थ्रू अ लीगल प्लेटफॉर्म, वी आर नॉट इंट्रूडर्स, वी आर नॉट टेररिस्ट, हम पाकिस्तान के नक्शे कदम पर नहीं चल सकते। अभी एक लास्ट ईयर एक चीज हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने, हिंदुस्तान की एक कोर्ट ने फैसला दिया था कि बाबरी मस्जिद जो है वो राम मंदिर पे कायम थी, और जितना इस्लाम मैं समझता हूँ उस हिसाब से एक कब्जे की जगह पे या किसी दूसरे की इबादत गाह को तोड़ के आप वहां पे मस्जिद कायम करते हैं, वो मस्जिद हराम है, उस मस्जिद में इबादत हराम है। तो उस पे अवैसी साहब कहते हैं कि नहीं, ये गलत राम मंदिर कायम हो रहा है और ये मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी, और उसपे कई लिबरल, सोडो लिबरल भी बहुत ज्यादा शोर करते रहे। ये तो कोर्ट का फैसला था, एक मस्जिद की बात है, हिंदुस्तान में ऐसी कई मस्जिदें हैं जो मंदिरों को तोड़ के बनाई गई हैं। क्या कहती हैं आप इस पे? अभी सिर्फ बाबरी की बात करते हैं। बाबरी मस्जिद नाम रखा गया बाबर के नाम के पीछे। बाबर एक वो आदमी था जो हिंदुस्तान में जबरदस्ती घुसा, हिंदुस्तान की महिलाओं का, जिसमें हिंदू भी थी और मुसलमान भी थी, हिंदुस्तानी थी, पर का शोषण किया, उनका रेप किया, जबरदस्ती उनको कैदी बनाया, और भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर उनका मंदिर तोड़कर अपनी मस्जिद अपने नाम से कायम करी, जिसमें अल्लाह का नाम नहीं उसने डाला, उसने अपना बाबर का नाम डाला। सबसे पहले तो यही चीज हराम है, क्योंकि बाबर कोई नबी नहीं थे, बाबर एक इंट्रूडर था, बाबर ने काम ही हराम काम से शुरू किया, अपने नाम पे मस्जिद बनाई, जो बनाना सही नहीं है। एक इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन के नाम पर मस्जिद नहीं बनाई जाती, नबी के नाम पर बनाई जाती है, मौलवियों के नाम पर बनाई जाती है, अल्लाह के नाम पर बनाई जाती है। तो सबसे पहली गलती बाबर ने ये करी। दूसरी गलती, उसने राम जन्मभूमि पर
कब्जा करके वहां पे कामिल करने की कोशिश करी, जो गलत था बिल्कुल। अब क्या हुआ, जब हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी हिंदुओं ने इस बात को समझा कि वहां पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि, जिन्हें हिंदुस्तानी मुसलमान ने इमाम हिंद का दर्जा दिया है, हिंदुस्तानी मुसलमान ने इमाम हिंद का दर्जा दिया है, उनकी जन्मभूमि पर अत्याचार हुआ, उनकी जन्मभूमि को तोड़कर वहां पर बाबर ने अपने नाम से अपनी अपनी शहनशाही बढ़ाने के लिए अपने नाम पर एक मस्जिद बनाई। जब ये चीज समझ आई तो मुसलमान आगे आकर खुद कहा कि आप इस मस्जिद को हटाकर यहाँ पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाइए। पर क्या करें, वही बात घूमकर आ जाती है जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। और वैसी जैसे लोग जो हिंदुस्तान में हमेशा दर्द लोगों को देना चाहते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स का मजाक उड़ाना चाहते हैं, लोगों की कल्चर की इज्जत नहीं करते, वो लोग आगे आकर अब ये बोल रहे हैं कि जो भी कोर्ट ने फैसला दिया वो गलत गलत होता तब अगर वहां पर एक्सक्रीशन के बाद कोर्ट ये कह देता कि नहीं मस्जिद थी और बाबर ने मस्जिद नहीं तोड़ी और फिर वहां जबरदस्ती हिंदू बना लेते अपना मंदिर। नहीं, यहाँ पर बकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे होने के बाद देखा गया है कि वहां पर जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जितनी भी चीजें मिली हैं, वो सब मंदिर के बारे में चीख चीख कर कह रही थी कि वहां पर मंदिर था, आपने वो नहीं बनाया, आपने तोड़ा। उसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कितना अच्छा फैसला लिया कि 2.5 एकड़ जमीन, 2.5 एकड़ जमीन राम मंदिर के लिए दी गई और उससे डबल 5 एकड़ जमीन अलग अयोध्या में ही अलग जगह पर मस्जिद के लिए दी गई। आप वहां पर ट्रस्ट बनाइए, स्कूल बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए या फिर मस्जिद बनाइए। तो आप देखिए फिर ये लोग हैं वैसे जैसे लोग जो कहते हैं कि मुसलमान और इस्लाम हिंदुस्तान में खतरे में है। अरे मेरे भाई, जहां मंदिर था उस जगह को वापस मंदिर दे दिया गया और जहां मस्जिद थी नहीं फिर भी आपको उससे डबल जमीन दे दी गई कि आप मस्जिद बनाइए, आप अपना दिल बड़ा रखिए ना। लेकिन नहीं, कुछ लोग हैं जो जहर फैलाने का काम करते हैं, लेकिन करने दीजिए। हमें पता है कि हमारे हिंदुस्तान में अंसारी भाई जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर के बाहर उतनी ही शिद्दत के साथ दिया दीप जलाया जितनी शिद्दत के साथ एक हिंदू ने उस दिन जलाया था जब राम जन्मभूमि के ऊपर हवन हुआ और मोदी जी ने वहां पर दीप बाती करी थी। निगत जी, आखिरी सवाल आपसे है, बल्कि सवाल नहीं, आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे कि तुर्की और पाकिस्तान एक खिलाफत मूवमेंट की तरफ वापस चल पड़े हैं, उम्मा का चूरन लेके आगे बढ़ते हैं, ये हर जुमले में कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, लेकिन जब इनसे सवाल करें कि चाइना में जो हो रहा है जुल्म, वो तो दुनिया में कहीं मुसलमान पे इतना जुल्म नहीं हो रहा जो चाइना में हो रहा है, तो उम्मा के लिए खासतौर पर तुर्की और पाकिस्तान की उम्मा को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में हो, तुर्की में हो, वहाँ पे सभी लोग गलत नहीं हैं, पर हाँ मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो लोगों को भड़काना चाहते हैं, जो हर जगह होते हैं पर वहाँ पर मैक्सिमम मेजॉरिटी में वो लोग हैं। बस आप जैसे हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को समझाते हैं कि अल्लाह का इस्लाम करना है, मुल्ला का इस्लाम नहीं, वो चीज़ समझाइए। दूसरा, आप अपने एक बार गिरबान में झांकी और अपनी पीढ़ियों को देखिए कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ करी, उन गलतियों से आपको कैसे चेंज होना है। तुर्की को और चीन को आपको समझना पड़ेगा कि वो आपके सामने पर्दे के पीछे कुछ और आपके सामने कुछ और है, आपके पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग हैं। मैंने सबसे बड़ा एग्जांपल इसलिए पहले ही बोला जो मोहम्मद हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर नाम तक एक बच्चे का नहीं रखने देते, वहां पर नाम तक बैन करो, तो आप उनकी नीयत समझिए, उनकी नीयत में कितना खोट है। चाइना ने जिन मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार करा, ये पाकिस्तानियों को, तुर्की के लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो आज नहीं तो कल ये सब मिट जाएंगे। क्योंकि चीन का तो वही फिलॉसफी है जो चाइना बायोलॉजिकल वेपन बना सकता है, सिंथेटिक वेपन बना सकता है और पूरी दुनिया को एक पैंडेमिक में डाल सकता है, वो सोचिए आपके साथ आपको पानी पिला के कैसा जहर बना सकता है और वो बना रहा है। ये तमाचा है पाकिस्तानियों के चेहरे पर, उन्हें समझना पड़ेगा आज नहीं तो कल कि जिस चीन के वो तलवे चाट रहे हैं, जिस आर्मी के वो तलवे चाट रहे हैं, वो दरअसल उन्हीं के आस्तीन का पाला हुआ सांप है। जिस प्रकार आतंकवादियों ने उन्हें निरंतर डसा है, इसी प्रकार चाइना भी डसेगा। उसे डसे, आपके अंदर जहर फैले, उससे पहले अपने आप को बचा लीजिए, अपनी कौम को बचा लीजिए, अपनी जनरेशन को बचा लीजिए, वरना जूता रह जाएगा, बच्चा नहीं मिलेगा।
थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम और एंड एनलाइटिंग अस. इट वाज सच ए वंडरफुल शो विथ यू. थैंक यू वेरी मच जी. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आरिफ जी आपसे मिलकर. आप जैसे लोगों से मिलकर दिल एकदम बागबाँ हो जाता है. बस यही कहती हूँ, आप अपने आप को हिंदुस्तानी मुसलमान अगर कह रहे हैं तो आप उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अपने लिए एक बहुत खुशी का पल समझिए. आप हिंदुस्तानी मुसलमान ही हैं क्योंकि आप मैं ही रहे. अपने आप को हिंदुस्तानी ही मानता हूँ. मेरा देश है. अगर 70-72 साल पहले मेरे पेरेंट्स ने माइग्रेट कर दिया तो उसमें मेरा क्या कसूर है, और मुझे हिंदुस्तानियों ने बड़ा मान दिया है. मेरे लिए हिंदुस्तान मेरा देश है. बिल्कुल जी. जय हिंद जय भारत. बहुत अच्छा. जय भारत. थैंक यू वेरी मच.